नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ इन पांच चीजों को गिफ्ट करने से फीकी पड़ सकती है दिवाली की खुशियाँ। दोस्तों, कार्तिक मास का आरंभ होते ही त्योहारों का आगमन हो जाता है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है, क्योंकि हर वर्ष विभिन्न त्योहारों को मनाने से लोगों में नई स्फूर्ति और ऊर्जा पैदा होती है। सभी त्योहारों का सरताज दीपावली भारत का ही नहीं विश्व भर का सुप्रसिद्ध पर्व है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपों का त्योहार दीपावली पांच पर्वों का महोत्सव है, क्योंकि इसे पांच दिनों तक निरंतर अलग अलग रूप में मनाने की परंपरा है। धन्वंतरी त्रयोदशी से शुरू हुआ यह पांच पर्व भैया दूज तक मनाया जाता है। इन पांच दिनों की पर्व श्रृंखला में श्री हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी, नरक चौदस या छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज मनाई जाती है। पर जब भी ये त्योहार आता है, हम सब अक्सर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को प्रेम पूर्वक कई तोहफे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कुछ तोहफे हमारे लिए नुकसान का कारण भी बन सकते हैं? जी हाँ, इन तोहफों का असर आपके आर्थिक जीवन पर बहुत गहरा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तोहफे मत दीजिए, बल्कि ये तो अच्छी बात है और इससे प्रेम भी बढ़ता है। वैसे भी इस त्योहार पर तोहफे लेना देना तो बहुत पुरानी परंपरा है। पहले हम मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स देते थे, पर समय बदलने के साथ साथ हम महंगे तोहफे भी देने लगे। अगर आप भी इन परंपरा को निभा रहे हैं तो भूल कर भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये चीजें कभी तोहफे में मत दीजिए, वरना लक्ष्मी जी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बन सकती है आपकी दिवाली की खुशियों में विघ्न। भगवान गणेश और महालक्ष्मी की मूर्ति। हम हमेशा दिवाली के त्योहार पर अपने घर में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति तो लेकर ही आते हैं, क्योंकि इस खास दिन पर ही हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर आप खुद इसे घर में लेकर आए तो ठीक है, लेकिन कभी भी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को दूसरों को तोहफे में ना दें, क्योंकि कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी जी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पांच धातुओं से बनी चीज हम अक्सर रिश्तेदारों को सोना, चांदी या कोई भी प्रयोग में आने वाले बर्तन तोहफे में दे ही देते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी दे रहे हैं उस वस्तु में सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल, ये सब वस्तुएं शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसे भी एक बुरा संकेत माना जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो स्टील और लोहे से बनी हुई चीजें भी तोहफे में दे सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। सिल्क के कपड़े। कभी भी तोहफे में सिल्क के कपड़े ना दें, बल्कि हो सके तो नए सूती या ऊन के बने कपड़े भी दे सकते हैं। धनतेरस की खरीदारी। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई धनतेरस पर कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है, इसलिए आप भी जब धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी करें तो केवल अपने लिए ही सामान खरीदें। इस दिन किसी दूसरे को देने के लिए कोई सामान ना खरीदें। काले रंग से रहें दूर। दिवाली रोशनी का त्योहार है, इसलिए इस दिन काले रंग का इस्तेमाल ना करें, ना ही कोई काले रंग की वस्तु किसी को तोहफे में दें और ना अपने घर में लाएं। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखिए और तोहफे के रूप में दूसरों को खुशियाँ दीजिए और खुद भी खुशियाँ पाइए। इसलिए इन पांच चीजों को जितना हो सके उतना सोच समझ कर ही दूसरों को दीजिए, क्योंकि शायद आपका दिया हुआ तोहफा आपके लिए ही बुरा साबित हो सकता है। तो इस दिवाली लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रतीक्षा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।